जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पैन को आधार से लिंक करना है और उसके लिए जो टाइम लिमिट दी गई थी 31 मार्च 2022 तक की, लेकिन 31 मार्च 2022 तक अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं हो पाता है तो क्या होगा, उसी से संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अपना पैन आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं, इसके संबंध में आज मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने उसके संबंध में जो नोटिफिकेशन आया था पूरी डिटेल में बताया है। लेकिन जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके संबंध में एक प्रेस रिलीज आया है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अमेंडमेंट टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 फॉर प्रिस्क्राइबिंग फीस अंडर सेक्शन 234H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसमें जो इन्होंने बताया है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी सुबह वीडियो अपलोड किया है उसमें सारी चीजें मैंने बताई हैं कि 31 मार्च 2022 तक आपको करना है। ऑन फेल्योर टू डू सो हिज पैन शैल बिकम इनऑपरेटिव। जिस विषय पे हम लोगों को चर्चा करनी है और जिस संबंध में प्रेस रिलीज है उस पे सीधे आते हैं कि अगर आप 31 मार्च 2022 तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव। और इनऑपरेटिव होने में बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसी के संबंध में ये प्रेस रिलीज आया है जिसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी रिलीफ दी है। और वो रिलीफ क्या है आइए देखते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए कि इन्होंने जो लेट फीस लगाई है, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेट फीस आपके ऊपर लगेगी, और वो क्या है, 3 महीने तक, अगर 1 अप्रैल 2022 के बाद से 3 महीने तक अगर आप अपना पैन आधार से लिंक कर लेते हैं तो आपको ₹500 लेट फीस देनी है, और अगर 3 महीने तक नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको लेट फीस ₹1,000 देनी है। अच्छा, ये तो ठीक है कि आपने लेट फीस दी और उसके बाद आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो गया, लेकिन जब आपने लिंक किया, मान ली 3 महीने बाद किया, 3 महीने के अंदर किया, जिस समय तक आपने उसको लिंक नहीं किया उस समय तक वो इनऑपरेटिव रहेगा। इनऑपरेटिव का मतलब वो काम नहीं करेगा, जहां कहीं भी उसको कोट करेंगे वो काम नहीं करेगा। तो उस समय क्या होगा, उसके संबंध में देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो है हाउएवर टिल 31 मार्च 2023 द पैन ऑफ द एसेसी हु हैव नॉट इंटीमेटेड देयर आधार विल कंटिन्यू टू बी फंक्शनल फॉर द प्रोसीजर्स अंडर द एक्ट लाइक फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड ईटीसी अ डिटेल्ड सर्कुलर नंबर 07/2022 डेटेड 30 मार्च 2022 हैज आल्सो बीन इश्यूड इन दिस रिकॉर्ड। तो इन्होंने बताया कि इनऑपरेटिव नहीं होगा 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि इनऑपरेटिव करने में बहुत सारी आपको दिक्कतें होने वाली हैं। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने ये किया कि आपका जो पैन है उसको इनऑपरेटिव करेंगे 31 मार्च 2023 के बाद, लेकिन उसके पहले जैसे ही आप पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं और लेट फीस अदा कर देते हैं आपका जो पैन है वो ऑपरेटिव मोड में आ जाएगा। तो अभी आपको 31 मार्च 2023 तक कोई समस्या नहीं होने वाली है इससे संबंधित। तो इसमें इन्होंने दिया भी है कि कौन कौन सी समस्याएं आनी थी जो नहीं आएंगी, जैसे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, उसकी प्रोसेसिंग होनी है, रिफंड होना है, और इसी से संबंधित एक डिटेल्ड सर्कुलर भी इन्होंने आज पास कर दिया है जो जैसे ही हमारे पास आएगा हम उससे संबंधित सूचना भी आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। After 31 March 2023, the pan of taxpayer who fails to intimate their Aadhaar as required shall become inoperative and all the consequences under the Act for not furnishing, intimating or quoting the pan shall apply to such taxpayers. तो 31 मार्च 2023 तक भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको समस्या हो जाएगी, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी कर लें। अगर 31 मार्च 2022 तक नहीं भी कर पाए हैं तो लेट फीस के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च 2023 तक आपका पैन इन ऑपरेटिव मोड में नहीं जाएगा। थैंक यू।